ब्यूटेन गैस है, ये आग लगाने का काम करता है, करता है। जी सर। और जिस चीज को हम लोग आग लगाएंगे ना तो वो गर्म होगा और अपने से ज्यादा हीटिंग वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं करेगा वो मेल्ट हो जाता है, लोहा पानी तरह हो जाएगा। तो हम इसका उपयोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करने के लिए करते हैं। इसमें लगता है वेल्डिंग गन या लाइटर, लोग बहुत लोग बोलता है लाइटर या वेल्डिंग गन, ब्लो लैंप, ये लगेगा। देखिए देखिए ये तरीका है इसको लगाने का, ये अनलॉक, ये लॉक, इसको ऐसे करके यहाँ लगाएंगे, ऐसे घुमा देंगे, हो गया। और इसके ऊपर खाता है ये गार्ड, हवा वाला लगने से रुकता है ना सर। हाँ, हवा वाला लगेगा, फिर आग आगे प्लास्टिक रहेगा तो गलने नहीं देगा, आग को रोक के रखेगा, स्टॉक कीजिएगा आग ना, तब भी अच्छा हीटिंग करेगा। और उसके बाद जिस पार्ट को गर्म करेंगे वो रोक के रखेगा। अब ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, सीधा पार हो गया, इसका हीटिंग वो रोक लेता है और ये नीचे घस गया और थोड़ा बैंड हो गया। ये अभी ये नया है, अभी ये बैंड वर्ड नहीं हुआ है, ये और अंदर जाएगा, ये अभी ढीला और ये और मुड़ाएगा, गर्म होगा तो हो जाएगा। अब आराम से इसको किसी चीज से जोड़ना हो तो इस पे आराम से हम लोग गर्म करके इसको सटा देंगे, बस वक्त तुरंत हटा देंगे। इसको बोलते हैं पाइप बैंडर। इसमें बहुत तरह का बैंड रहता है, हाइड्रोलिक बैंडर भी आ रहा है। हाइड्रोलिक बैंडर अगर आपको 90 डिग्री मोड़ना है तो वो ऐसे ऐसे करके 90 डिग्री कर देगा, दूर दूर से मोड़ना, 45 करना है और थोड़ा चाप देगा। वो आपके जरूरत के अनुसार हमको कितना बैंड करना है ताकि वो पिंच ना हो। जी ये सर, इसमें पिंच नहीं होगा, नहीं होगा। ये है ना, ये बैंड और ये ऐसे किए और ऐसे बैंड कर दिए और यहाँ से गया ऐसे टच के पार हो गया, लॉक हो गया, तो क्या हो गया, खराब हो गया। ये सही है, ये उसी को सपोर्ट करता है। जब भी आप किसी को दबाव लगाओगे ना, जब आप यहाँ दबाव लगाओगे इधर दबाव, ये दबाव लगने नहीं देगा सर। तो ये सिर्फ मुंह पे करेंगे तो हो जाएगा, बीच में अगर करना हो तो कहीं भी चल जाएगा पाइप, पाइप कहीं भी चल जाएगा ना, बैंड करना इसको वहीं लेके चल जाएंगे। अगर बैंड करके फिर इसको निकाल लेते हैं बाहर, उसके बाद करते हैं फ्लेयर वायर कटर। और वायर छीनला दोनों काम करता है, काट दिए बाद ये गैप पे फंसाए और दबाए हल्का खींच दिए, वायर छिला गया। अब इस परिस्थिति में कोई दांत लगाएगा तो उचित है, मार देगा, तो बेटर ये प्लास्टिक पार्ट पकड़े, काटे और हल्का चापे और निकाल दिए। स्क्रू ड्राइवर सब पेचकस है, दो एक साइड का, दो एक साइड का, एक बच्चा, तो इसको हम बोलते हैं लट्टू पेचकस, ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, तीनों पे चारों पेचकस है सब, तो साइज अलग अलग है। जहां ये चल जाएगा वहां इसकी जरूरत नहीं है, जहां ये नहीं जा पा रहा है वहां इसकी जरूरत है, और जहां ये नहीं जा पा रहा है वहां इसकी जरूरत है, और जहां ये भी नहीं जा पा रहा है वहां फिर सोचना पड़ेगा कुछ और। ये दोनों टेस्टर है, प्रत्येक टेक्नीशियन के पास एक पढ़ा लिखा व्यक्ति के पास में पेन और टेक्नीशियन के पास में टेस्टर हरदम होना चाहिए। ये प्लास इससे आप वायर काट भी सकते हैं, इससे भी आप चाहिएगा तो छील सकते हैं जी सर, और इससे किसी चीज को पकड़ भी सकते हैं, कोई गर्म चीज है आराम से इसको उठा लिए, बहुत काम में आता है। जहां ये लग पाएगा ना, ये नहीं लग पाएगा तहां ये लग जाएगा नोज प्लास। ये दोनों एक ही चीज है, केवल इसमें अंतर ये है कि जो जिस जगह ये नहीं जा पाएगा वहां ये चल जाएगा।
माना पूरा सेटअप है। आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह सत्रह पूरा सेटअप लिया कि जहाँ जो जरूरत होगा निकालेंगे झोरा में से काम कर लेंगे, ना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। और इसको बोलते हैं एलंकी, एलंकी का ये सेट है, इसमें भी सब है उनके पास एक से लेकर दस तक। और एसी में जरूरत है चार और पांच। हम लोग जब एसी फिट करते हैं ना या कोई भी चीज फिट करते हैं तो हमको कुछ जगह फिटिंग करना पड़ता है। अगर यहाँ का हमको कुछ फिट करना होगा तो हमको ध्यान रखना होगा कि ये प्रत्येक अक्षर ना नुकसान हो, और हमको एक बॉल लगाना हो, एसी लगाना हो तो हम वैसा जगह लगाएंगे जिससे कोई नुकसान ना हो। एसी जब भी लगाए, जिस बिल्डिंग में लगाए और जिस दीवार में लगाए, कोशिश करें कि उस दीवार के सेंटर में होना चाहिए। अगर इस दीवार में, इस रूम में एसी लगाए, अगर हम इधर लगाएंगे तो इस दीवार का सेंटर, और इस साइड लगाएंगे इस दीवार का सेंटर लगे तो बेटर होगा। बाकी समय हालात कुछ भी करवा सकता है। इस दीवार में यहाँ लगाएगा ना तो यहाँ से वहां तक कुली मिलेगा। इस दीवार में अगर हम लोग कहीं भी सेंटर में लगाते हैं ना तो कुछ कोना कट जाएगा, इसीलिए हमको मेजरमेंट करना आना चाहिए। एसी जब भी लगे, फ्रिज जब भी खड़ा हो, वॉशिंग मशीन जब भी खड़ा हो तो सीधा खड़ा हो तो बेटर है, लगे तो सीधा लगे। अभी ना कैसे टर्बाइन है, खराब लगता है देखने में, इसको बोलते हैं फाइल चाहे रेकी। जो एरिया वेल्डिंग करते हैं उस एरिया में अगर गंदगी हो जाता है, इसीलिए है ये गंदा दिख रहा थोड़ा थोड़ा काला टाइप का, इसको फाइल मार के हम लोग चिकना करते हैं, थोड़ा सा रुखरा कर देते हैं और गंदा हटा देते हैं, ताकि वेल्डिंग अगर हो तो साफ सुथरा चिकना हो बराबर। इसको बोलते हैं स्विचिंग टूल्स। ये इसको में जब ठोकेंगे ना हम तो इसका एक अलग साइज करेगा, ये इसका साइज, ये अगर ये साइज है, ये साइज तो इसको जब ठोकेंगे ना ये इस टाइप का साइज हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्विचिंग। ये जो है ये करता है फ्लेयरिंग, ये फ्लेयरिंग टूल्स करता है क्या, फ्लेयर। फ्लेयर और फ्लेयरिंग टूल के क्या अंतर है, इसी पाइप को वो इस टाइप का करता है, वो दोनों में देखने में अंतर लग रहा होगा आपको। ये एक टीपा के तरह जो नहीं हम लोग डालते तेल वगैरह उस टाइप का दिखेगा। आईसी के जस्ट पीछे लगता है क्या, फ्लेयर नट, फ्लेयरिंग टूल्स, फ्लेयर, फ्लेयर नट, जिसमें नट कसना है, जिसमें नट कसना है इसमें तो फ्लेयर करके फ्लेयरिंग टूल्स लगा, नट लगा देंगे, उस वक्त फ्लेयर कर देंगे, टाइट कर देंगे। और टाइट करने से अगर लीकेज का हमको थोड़ा सा भी दिल में हिचक है तो टेपलन टेप मार देंगे। पहले आता था क्या, रस्सी, और रस्सी में केमिकल लगता था, वो केमिकल क्या करता था, पकड़ लेता था। जब हमको किसी कारणवश खोलना पड़ेगा ना तो अधिकांश टूटने का चांस हो जाता था, लेकिन टेपलन टेप पकड़ता नहीं है, केवल लीकेज ब्लॉक करता है। जब भी आप खोलिएगा आप आसानी से खोल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करता है आपको। टेपलन टेप पानी का लीकेज, एयर का लीकेज, गैस का लीकेज, सब लीकेज बंद कर देता है, माइनर लीकेज आपको ही बंद करेगा। तो बोलते हैं पाइप कटर। ये जो है ना काटना, आप चाहिएगा तो इसको रेती से भी काट सकते हैं, आप चाहिएगा तो हेक्सा ब्लेड से भी काट सकते हैं। हेक्सा ब्लेड के कटिंग में एक दाग हो जाता है, दाग, लेकिन ये जब काटेगा ना एकदम चिकना प्लेन काटेगा। तो बोलते हैं एडजस्टेबल या स्लाइड इंच। ये किसी के नट के प्रति कंट्रोल कर लेता है, वो छोटा बड़ा हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं एडजस्टेबल या स्लाइडिंग। ये स्क्रू है और ये डी पाला, टी
टी है ये टी रिंच, किसी को भी आसानी से इसे पकड़ के आसानी से हम दबाव कर सकते हैं। जहां ये डी नहीं लगेगा ना ये डी, या जहां डी घुमाएंगे सटा के तो मेरा हाथ क्या होता है अगर रहता है दीवार में नट सटा हो ना तो मेरा हाथ क्या होगा लगाएगा। तो ये आराम से यहाँ लगा के हम लोग जिससे हमको किसी तरह का दबाव में भी भार नहीं पड़ा, हाथ भी छिलाएगा नहीं और टाइट भी भरपूर मात्रा में हम लोग कर सकते हैं। कंपाउंड गेज इसमें दोनों है, एक में माइनस नहीं है और दूसरे में माइनस है। एक का हाई प्रेशर है 250, दूसरे का हाई प्रेशर है 500। दोनों से आप गैस का प्रेशर नाप सकते हैं। इससे हम लोग वैक्यूम कर सकते हैं, इससे हम लोग वैक्यूम नहीं कर सकते हैं इस मशीन में, क्योंकि इसमें माइनस का दिया ही नहीं है। दिया माइनस नहीं दिया, इसमें दिया हुआ माइनस रहता है रहता है इस कंपनी का। और यहाँ पे आराम से दिखेगा गैस जाएगा तो बीच में लिक्विड टाइप का वो दिखेगा गैस। और ये खरीदे हमारे मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद उनको।